हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। थर्ड वीडियो है हमारी जीएसटी की अब, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, यानी जीएसटी इंडिया में किस तरह से शुरू हुआ। इसके साथ साथ इस बार हम वीडियो में लेने वाले हैं जीएसटी का कंसेप्ट और इंडिया में जीएसटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, व्हाई इंडिया नीड जीएसटी। तो ये दो तीन कंसेप्ट हमने इस वीडियो में लेने हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था, आपके पास आपके नोट्स होने चाहिए, या बेस्ट रहेगा कि एक रजिस्टर आप रखें, पेन रखें हाथ में, और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स को अपने हाथ से लिखें, क्योंकि अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ें हमें याद रहती है। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस और आंसर्स भी असाइनमेंट में आपके लिए अवेलेबल हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं जेनेसिस, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। Genesis, that is origin of GST in India. ये इंडिया में कब शुरू हुआ? देखिए, ये भी एक उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह की चीज़ें नहीं पूछी जाती कि भाई जीएसटी कब इंडिया में शुरू हुआ। लेकिन ये सब चीज़ें ना पढ़नी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी, जब तक हमें कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे, बेसिकली ये चीज़ आई कहाँ से, कब हुई शुरू, या अभी जाके इस चैप्टर के एंड के अंदर काफ़ी कुछ हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पावर्स दी हैं। वो आई नो कि ये चीज़ें एग्जाम में ज़रूर नहीं है, मैं लेकिन फिर भी कवर क्यों कर रहा हूँ? एक तो इसलिए भी कवर कर रहा हूँ कि आपके सिलेबस में है, मॉड्यूल में है। दूसरा, वैसे भी मैं सजेस्ट करता हूँ, मान लेते हैं कोई बच्चा, जैसे मैंने पहले भी कहा, जॉब ओरिएंटेड जॉब गारंटी कोर्स के लिए भी कर रहा है, तब भी उसको जीएसटी की सब बेसिक बातें थोड़ी बहुत पता हों तो अच्छा है। तो पहला पॉइंट, जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, कि आइडिया किसने, कहाँ से आया। सो आइडिया मूटेड बाय केलकर टास्क फोर्स, कब, इन 2004। यानी सन 2004 में केलकर कमेटी कह लीजिए या केलकर टास्क फोर्स कह लीजिए, हेडेड बाय मिस्टर केलकर, प्रोफेसर केलकर, इन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया कि इंडिया में अब जीएसटी लागू कर देना चाहिए। जीएसटी कोई नई चीज़ नहीं है, अभी बताऊंगा मैं। 1954 में फ्रांस में इंट्रोड्यूस हो गई थी, इंडिया में थोड़ा सा, और इंडिया भी ऐसा नहीं है कि 2004 से पहले जीएसटी के बारे में पता नहीं था। मॉडवेट नाम से और सैनवेट नाम से बहुत पहले से इसके ऊपर वर्किंग इंडिया में भी शुरू हो चुकी थी। प्रॉपरली जीएसटी फॉर्मेट पे एक तरह से सजेशन केलकर कमेटी ने दिया, और अच्छे से इसको फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर चिदम्बरम 2007 में लेके आए, और उन्होंने तब ये बोला कि मैं इसको 2010 से इंट्रोड्यूस करूँगा, वो किसी वजह से हो नहीं पाया। सो इसको भी लिखिएगा, इन 2007 फाइनेंस मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम इंट्रोड्यूस्ड इट इन बजट फॉर इंट्रोडक्शन फ्रॉम 1st April 2010। तो 2007 में फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर चिदम्बरम ने इसको इंट्रोड्यूस किया बजट में, और उस वक्त उन्होंने ऐसा सोचा कि वो 2010 से इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि मैंने कहा बाद में खैर नहीं हो पाया। फिर देन जब एनडीए गवर्नमेंट आई, तब ये ज़्यादा मोमेंटम इसको मिला, मोमेंटम अगेन आफ्टर एनडीए गवर्नमेंट came to power in 2014। एनडीए गवर्नमेंट ने एक तरह से सोच ही लिया था कि भाई हमें इसको इंट्रोड्यूस करना ही है ना, एंड फाइनली इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1st of July 2017। अगर आप मॉड्यूल देखेंगे तो उसमें और बहुत सारी डेट्स दिए हैं कि कब जो है वो राज्यसभा में गया, कब लोकसभा में गया, कब प्रेसिडेंट से असेंट मिली। तो मैं नोट्स लिखवाते वक्त ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा तो उसको समराइज़ कर दूँगा, बिल्कुल ए टू जेड जितना असाइनमेंट में दिया वो सारे में लिखवाऊंगा तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किसको छोड़ें और किसको रखें। तो जो स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हार्डवर्किंग है, उनको ये सजेशन है कि वो असाइनमेंट यानी जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसको भी पढ़ें, है ना, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो अगर उसमें से लेके तैयार करना चाहते हैं। अदरवाइज़ मेरी ओपिनियन में
पूरे मार्क्स लेने के लिए, मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए भी जितना जरूरी है मैं उतना आपको दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भी जो बच्चे सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ रहे हो पीछे रह जाएंगे, मैं अपनी तरफ से सब कुछ कवर करूँगा, नथिंग टू वरी। बट फिर भी आखिर इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल तो इंस्टीट्यूट का ही रहता है, अगर आप उसको देखते हैं तो ऑब्वियसली उसमें कोई पाप नहीं है, रदर बेटर ही है। अब हम आगे इसमें बात कर रहे हैं कि फ्रांस ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने कहा एग्जाम में आने के चांस तो कम है, लेकिन फिर भी कहीं पूछ लें एक आध मार्क्स में, या वैसे ही नॉलेज तो होनी चाहिए कि भाई किस देश में सबसे पहले GST आया। वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट GST, कब? इन द ईयर 1954, सबसे पहले तब। आज की तारीख में कितने देश इसके ऊपर हैं? 160, यानी कि वर्ल्ड की मेजॉरिटी कंट्रीज GST सिस्टम फॉलो कर रही हैं। एज ऑन डेट अराउंड 160 कंट्रीज हैव अडॉप्टेड GST। तो इंडिया ने अगर GST अडॉप्ट किया है तो कोई यूनिक काम नहीं किया, सभी देश GST फॉलो कर रहे हैं, हमने भी अब कर लिया, रादर देर से ही सही, नाउ वी आर ऑन द ट्रैक। चलिए अब हम पढ़ेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ GST, कि GST का फंडा क्या है। वैसे ब्रीफ में तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है वो एक दूसरे को ये लोग पास ऑन करते रहते हैं, मैन्युफैक्चरर से डीलर, डीलर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और फाइनली ये कस्टमर से रिकवर करते हैं। सब एक दूसरे को टैक्स इनवॉइस देते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ GST। और जिसके ऊपर जितना भी टैक्स लगता है वो उसमें से इनपुट टैक्स माइनस कर देता है। इनपुट टैक्स का मतलब ये हो गया कि जितना खरीदते वक्त उस पर टैक्स लगा था। अब जैसे अगर हम एक मैन्युफैक्चरर के एंगल से बात करें तो मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल खरीद रहा है, रॉ मटेरियल वो टैक्स देके खरीद रहा है, यानी GST देके खरीद रहा है। तो मैन्युफैक्चरर जब सेल करेगा डीलर को तो उसकी सेल पर सेल्स टैक्स लगेगा, जिसका नाम अब GST बना दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी अगर मैं अपने सेंटेंस को इम्प्रूव करूँ तो जब एक मैन्युफैक्चरर डीलर को माल बेचेगा, यानी कि सप्लायर डिलीवरी करेगा गुड्स की, तो उस वक्त उस पर GST लगेगा। तो वो तो हुआ उसका आउटपुट टैक्स, और जो उसने रॉ मटेरियल खरीदा होगा या कोई और सर्विसेज ली होंगी उन पर जो टैक्स लगा है वो हो गया उसका इनपुट टैक्स, डिफरेंस उसको गवर्नमेंट को देना है। दैट इज़ वाई इट इज़ VAT, वैल्यू एडिशन टैक्स, है ना। अगर उसने 500,000 के रॉ मटेरियल खरीदे और फाइनली 800,000 में माल बेच रहा है तो 800,000 का जो टैक्स लगेगा वो देना है, और 500,000 पे जो टैक्स लगा वो माइनस, तो डिफरेंस इफेक्टिवली 300,000 पे टैक्स उसको लगेगा। That is the concept of GST. तो पहला पॉइंट, इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव VAT, डेफिनेटली हर तरह का ये जितना भी इनपुट टैक्स है वो सारा माइनस कर रहा है, तो मैं इसको कॉम्प्रिहेंसिव VAT कह सकता हूं, और यही इसका सही नाम भी है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव VAT, वैल्यू एडिशन टैक्स, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरर हो, फॉर मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। ये सबसे पहला पॉइंट हुआ कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव VAT है, वैल्यू एडिशन टैक्स। ऐसे शॉपकीपर को सोचिए, उसने 10,000 का माल खरीदा, मान लेते हैं वही आइटम उसने 12,000 की बेची, तो 10,000 पे जो टैक्स लगा वो माइनस हो जाएगा, 12,000 पे जो टैक्स देना उसमें से इफेक्टिवली 2,000 पे टैक्स लगा, दैट इज VAT। नहीं, आगे चल के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे, अभी मैं इसको सिंपल थ्योरेटिकली बता रहा हूँ कि कंसेप्ट ऑफ GST में इट्स अ VAT, वैल्यू एडिशन टैक्स, फॉर मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज फॉर द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसमें कंटिन्यूस चेन होती है टैक्स क्रेडिट्स की, एक दूसरे को सब टैक्स क्रेडिट पास ऑन करते हैं, यानी मैंने आपसे जितना टैक्स लेना है वो आगे आपने अपनी रिटर्न में माइनस कर लेना है, फिर उसने माइनस कर लेना है, लास्ट में कस्टमर बस माइनस नहीं कर पाता, बाकी सब जितना टैक्स खरीदते वक्त देते हैं वो अपनी आउटपुट टैक्स में से, टैक्स लायबिलिटी में से, GST लायबिलिटी में से माइनस कर लेते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स थ्रू टैक्स इनवॉइसेस, राइट, कि इसमें कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स है थ्रू टैक्स इनवॉइसेस, एंड द फाइनल बर्डन इज ऑन कंज्यूमर, द फाइनल बर्डन इज ऑन कंज्यूमर, नेचुरली तो मैंने आपको पहले बताया, एंड देर इज नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस,
देयर इज नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, दैट इज टैक्स ऑन टैक्स. कैस्केडिंग क्या होता है, ये एक नई टर्म आ गई आपके लिए, जैसे प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव, ऐसे एक और टर्म आ गई जिसको याद रखना है. जीएसटी का कंसेप्ट बताने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम कैस्केडिंग के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करें जहां जरूरत पड़ जाए. सो देयर इज नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, इसका मतलब क्या होता है कि टैक्स पर टैक्स नहीं लग रहा है. ऑब्वियसली अब सोच के देखिए, अगर मैंने कोई चीज़ 10,000 की खरीदी और उस पर मैंने 500 रुपये टैक्स दिया, अगर वो मेरा 500 रुपये माइनस नहीं होने वाला है तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि मैंने चीज़ 10,500 की खरीदी तो मैं उसके हिसाब से टैक्स लूंगा आपसे. और अगर मुझे पता है एज ए शॉपकीपर कि हाँ 500 रुपये तो मेरे माइनस होने, तो मैं उस चीज़ की कॉस्ट 10,000 मानूंगा और मुझे अगर 2,000 प्रॉफिट चाहिए तो मैं 12,000 प्लस टैक्स में उस चीज़ को बेच दूंगा. अगर वो 500 रुपया, सपोज मैंने 10,000 की चीज़ खरीदी और 500 रुपये टैक्स दिया और मुझे मालूम है कि वो 500 रुपये कहीं एडजस्ट होने वाले नहीं, जैसे कि पहले होता था, आपने दूसरे अगर स्टेट से माल खरीदा है और CST लगा के माल आपने खरीदा है तो आपका वो माइनस नहीं करते थे GST से पहले वाले इरा में, तो मैं ये मान के चलूंगा कि वो चीज़ 10,500 की है, यानी 10,500 की, और मुझे अगर 2,000 का प्रॉफिट चाहिए तो मैं फिर 12,500 में बेचूंगा. तो इफेक्टिवली वो टैक्स पर भी टैक्स लगता था. दिस इज कैस्केडिंग, टैक्स ऑन टैक्स. बट नाउ विथ GST देर इज नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, है ना. मैं लिख भी देता हूँ इसको, देर इज नो टैक्सेस ऑन टैक्सेस. टैक्स पर टैक्स नहीं लग रहा है, क्यों? Because full credit is allowed and there is no tax on taxes. So this is basically, I can say, the few basic concepts of GST, right? चलिए और आगे हम पढ़ रहे हैं कि भाई इंडिया में GST की जरूरत क्या थी. Need for GST in India, इस बारे में जैसे आपके मॉड्यूल ने पढ़ाया है मैं भी वैसे ही लेके चल रहा हूँ कि भैया जो हमारा पुराना सिस्टम था ना, वैट सर्विस टैक्स एक्साइज ड्यूटी वाला, उसमें कुछ कमियाँ थी, उन सारी कमियों को दूर करके GST लाए हैं. तो एक तरह से उन कमियों को दूर करने की वजह से इंडिया में GST की ज़रूरत थी. नीड फॉर GST इन इंडिया, दैट इज़ द पॉइंट ना, कि भाई आखिर इंडिया में GST की ज़रूरत ही क्या थी. तो वो अब हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. तो मैं इसके अंदर ये लिखवा रहा हूँ सबसे पहले आपको कि इट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ शॉर्टकमिंग्स, कमियाँ थी ना, बिकॉज ऑफ शॉर्टकमिंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो हमारा आज की तारीख का सिस्टम है, बिकॉज ऑफ द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम, उस शॉर्टकमिंग्स की वजह से, उन कमियों की वजह से, उन गलतियों की वजह से, उन दिक्कतों की वजह से जो हमारे यहाँ के व्यापारी और कस्टमर फील करते थे और बियर करते थे, इंडिया को GST इंट्रोड्यूस करना पड़ा. और जब एक नई चीज़ बना ही रहे थे तो उन सारी कमियों को दूर किया गया है, राइट. तो अब मैं क्या लिखूंगा, बुराइयाँ, पुरानी बुराइयाँ जो अब GST में नहीं है. तो मैं लिखूंगा तो बुराइयाँ, साथ साथ बताऊंगा कि अब ये चीज़ नहीं है, हैंस GST इज़ अ बेटर सिस्टम, ठीक है ना. तो पुराना जो सिस्टम था उसमें जैसे मैंने बताया, व्हेन गुड्स वर मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, जब पहले गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे और बिकते थे, देन बोथ एक्साइज ड्यूटी एंड वैट वॉज लेविड, उस पे दोनों चीज़ें लगती थी. अब हर स्टेज पर GST लग रहा है. एक्चुअली एक ही टैक्स लगने से ही क्रेडिट एक दूसरे में एडजस्टमेंट जो है वो संभव हो पाई. पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी और जब वो स्टेट लेवल पे माल बिकता था तो वैट लगता था. दोनों अलग अलग थे, एक स्टेट लेवल का वैट था और एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की एक्साइज ड्यूटी थी, आपस में एडजस्ट नहीं होते थे, रादर टैक्स पे टैक्स लगता था. तो यह एक बहुत बड़ी कमी थी कि जब पहले गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे तो उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती थी और फिर जब वो बिकते थे तो स्टेट गवर्नमेंट वैट लेती थी. अब ये सब खत्म, अब एक ही है कि GST उस पर लगेगा. जैसे मैंने अभी बताया टैक्स ऑन टैक्स, तो अर्लियर वो जो वैट लगता था सेल्स टैक्स, दैट वॉज बींग कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट एंड एक्साइज ड्यूटी. वैट की जो कैलकुलेशन है वो कॉस्ट एंड एक्साइज ड्यूटी पे होती थी, हेंस टैक्स ऑन टैक्सेस एप्लीकेबल. इसकी वजह से प्रैक्टिकली टैक्स ऑन टैक्सेस लग जाया करते थे. एक तरह से पहले जो पुराना सिस्टम था उसके अंदर टैक्स पे टैक्स लग रहे थे, उसका कोई इलाज भी नहीं था ना पहले. भाई आफ्टर ऑल हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी कलाकारी अलग ही कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से अभी भी कर तो रहे हैं मिलके, वही चीज़ है मोर और लेस, लेकिन फिर भी कम से कम अब एक यूनिफॉर्मिटी तो ला दी ना कॉन्सेप्ट्स में. हर जगह हर बंदे को पता है ऑल ओवर इंडिया सेम टैक्सेशन कल्चर आ गया है, GST
मेरे लिए भी पढ़ाना अब आसान हो गया ऑल ओवर इंडिया। पहले स्टेट वैट पढ़ाना बड़ा मुश्किल पड़ता था यार, कौन हरियाणा वैट पढ़े कौन राजस्थान वैट पढ़े। अब हम इसीलिए एक जॉब गारंटी कोर्स इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया बच्चे ने कहीं पर भी पढ़ा उसको कहीं पर भी प्लेस करके नौकरी लगवाई जा सकती है, ईजी है। क्योंकि अभी ये GST ऐसा ले आए हैं बढ़िया शानदार कि ऑल ओवर इंडिया यूनिफॉर्म टैक्स रेट सिस्टम कर दिया। नहीं, सो वेट वॉज बींग कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट एंड एक्साइज ड्यूटी। तो उसकी वजह से जब एक्साइज ड्यूटी जो लगी हुई है, एक्साइज ड्यूटी पे तो टैक्स था ना, उसके ऊपर आप फिर से टैक्स लगा रहे हो तो उसको तो टैक्स ऑन टैक्स ही मानेंगे ना, है ना। फिर पहले ज़माने में क्या होता था कि वैट और सर्विस टैक्स भाई भाई नहीं थे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते ना जैसे, तो वैसे वैट सर्विस टैक्स भाई भाई नहीं थे, एक दूसरे की एडजस्टमेंट नहीं होती थी। जैसे अगर पुराने ज़माने में हम फेस टू फेस कोचिंग किया करते थे तो सर्विस टैक्स लगता था, लेकिन अगर हमने कोई आइटम खरीदी है और वैट का बिल आया है तो वो वैट एडजस्ट नहीं होता था। ऐसे ही जो शॉपकीपर्स सामान बेचते थे, अगर वो हमसे कोई सर्विसेज ले रहे हैं किसी भी तरह की कंसल्टेंसी या कुछ और, तो उनका सर्विस टैक्स एडजस्ट नहीं होता था, उनको वैट लगता था। तो एक दूसरे के बिल जो है वो एक तरह से बेकार जाते, लेकिन अब क्योंकि दोनों पे GST लग रहा है तो एडजस्टमेंट अलाउड है, है ना। सो एडजस्टमेंट ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स वॉज नॉट अलाउड, इसका आपस में क्रेडिट पहले नहीं था वैट और सर्विस टैक्स का। मैंने बताया ना वैट एक लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट था, और जस्ट लाइक एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस और लोकल गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस आपस में एडजस्ट नहीं होते थे, मरता था कस्टमर। खैर अभी सब हो रहा है। पहले एक और कमी थी कि पहले एक CST नाम से टैक्स लगता था जो कि ओरिजिन बेस्ड था, कहाँ से जा रहा है। अगर माल एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जा रहा है तो उस पर CST लगाते थे अलग से, और उसका क्रेडिट भी नहीं देते थे। सामने वाली पार्टी अगर दूसरे स्टेट से माल खरीद के माल बेच रही है तो वो जो टैक्स लग गया वो उसकी कॉस्ट का ही पार्ट, समझो। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था ना, अगर मैं दूसरी स्टेट से माल खरीद रहा हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ आज की नहीं, और मैंने 10,000 के ऊपर 500 रुपये टैक्स दिया तो वो 10,500 मेरी कॉस्ट का ही पार्ट था, वो 500 रुपये की एडजस्टमेंट नहीं होती थी कुछ भी, राइट। सो अर्लियर हमारे पास दो सिस्टम जो है वो चल रहे थे। अर्लियर सिस्टम वॉज बोथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्स दैट इज CST सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स That is state VAT, जैसे हरियाणा VAT, राजस्थान VAT। तो पहले origin based भी था, destination based भी था, तो हर तरह से बंदे को पकड़ लो। अब इन्होंने एक ही system बनाया है more or less, वो ये कि जो consumer है वो जिस state में है वो finally tax bear करेगा और उसी government को वो tax मिलेगा भी, correct। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है कि पहले और भी बहुत सारे टैक्स लगते थे, सिर्फ ये नहीं है कि भी चलो एक्साइज ड्यूटी लग रही है वैट लग रहा है, पहले बहुत सारे तरह के टैक्स थे, उसमें लग्जरी टैक्स भी था, एंटरटेनमेंट टैक्स भी था, बहुत तरह के टैक्सेस थे। तो GST आने के बाद ये एक और अच्छा काम हुआ है कि इन्होंने वो टैक्सेस जो हैं वो हटा दिए हैं, मतलब फिर वही बात है टैक्स तो ये हटाने से रहे, अब सबको एक ही चीज़ पे ले आए GST पे। तो यानी अब एक कस्टमर अगर एक बार GST समझ ले तो वो फिर ज़्यादा दुखी नहीं होगा अपनी ज़िंदगी में। Besides VAT, CST, excise, service tax, various other taxes, यानी VAT, CST, VAT हो गया local, CST interstate sale पे, excise manufacturing पे, services पे service tax, तो VAT, CST, excise, service tax तो लगते थे, और भी बहुत सारे taxes लग रहे थे, various other taxes like लग्जरी टैक्स होटेल्स में, एंटरटेनमेंट टैक्स लाइक सिनेमा हॉल्स में, एक्सेट्रा वर बीइंग लेविड। अब इतने सारे टैक्स होने से ना फिर वो सरकार को भी एक तरह से क्रिटिसिज्म होता था और लोग भी डिस्करेज हो जाते हैं, यार हर जगह जाओ इतने तरह के टैक्स हैं, समझ नहीं आते कब कौन कहाँ क्या। अब कम से कम एक तो सिंप्लिसिटी कर दी ना। अच्छा उसमें होता क्या, इतने सारे टैक्स होने से ना कोई भी आदमी अगर किसी को हेरा फेरी करने हो, कोई नए नाम से टैक्स बना के लोगों से ले लो, पता ही नहीं चलता कुछ भी, ज्ञान ही नहीं है। अगर हम दूसरे स्टेट में गए हमें पता ही नहीं वहाँ पे कौन कौन सा टैक्स एप्लीकेबल है। अब कम से कम अगर किसी ने GST का ज्ञान ले लिया तो उसको ये तो पता है ना कि भैया ऐसे टैक्स लगता है ये। नहीं,
और जैसे मैंने बताया पहले ये भी प्रॉब्लम थी ना कि क्रेडिट ऑफ सीएसटी वाज नॉट अलाउड, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जब हम इंटरस्टेट कर रहे थे सामान परचेजिंग, तो उसका जो सीएसटी का क्रेडिट था वो अलाउड नहीं था। अब तो इन्होंने इसको आईजीएसटी का नाम देके क्रेडिट पूरे अच्छी तरह से अलाउ किया है। और कुछ चीज़ों पे डबल टैक्स लगता था, उनको गुड्स भी मानते थे सर्विसेज भी मानते थे, तो एक तरह से उस पर सेल्स टैक्स भी लगता था सर्विस टैक्स भी लगता था। अब कम से कम ये है कि एक जीएसटी लगेगा, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि डबल टैक्सेशन ऑन फ्यू ट्रांजैक्शंस एज बोथ रेस्टोरेंट्स वगैरह में होता था ये। अगर आप गए हो कभी बिल पे ध्यान दिया हो तो वहाँ पर जो वो खाना सर्व किया जा रहा है रेस्टोरेंट में उसको सेल भी मानते थे और ऑब्वियसली सर्विस तो है ही, तो उस पर वो वैट भी लगाते थे और सर्विस टैक्स भी लगाते थे। तो एक कस्टमर थोड़ा सा देख के घबरा जाता था, उसके बिल में खाई उसने आइटम दो और नीचे टैक्स लगे होते थे चार, तो उसको लगता था यार इतना सा मेरा बिल होना चाहिए था, आ गया इतना बड़ा, है ना। एक कप चाय भी पी लोगे तो चार पांच तरह के टैक्स लग जाएंगे, लेकिन अब कम से कम टैक्स तो खैर अभी भी लगेंगे, लेकिन अब कम से कम एक जीएसटी ही लगेगा, तो उसको देख के कम से कम कस्टमर जो है वो मेंटली प्रिपेयर्ड भी रहेगा और घबराएगा नहीं, है ना। तो इस वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था हमने तीन चीज़ें पढ़ी, एक तो कि भाई जीएसटी का ओरिजिन कब से कहाँ से हुआ, तो जैसे मैंने बताया केलकर कमेटी, फिर चिदम्बरम, फिर फाइनली एनडी गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया। अगर हम कंसेप्ट ऑफ जीएसटी की बात करें तो इट कॉम्प्रिहेंसिव वैट है, मैन्युफैक्चरर सप्लायर्स के लिए कॉन्टिन्यूस चेन है, एक दूसरे को ये टैक्स इनवॉइस इशू करते रहते हैं जिसके बेसिस पर सेल्स के ऊपर जो टैक्स लगता है यानी सप्लाई पे जो टैक्स लगता है उस पे जो इनपुट सप्लाई है, एक्चुअली इन्होंने सप्लाई को भी दो कर दिया, जब आप बेच रहे हैं तो आउटवर्ड सप्लाई और खरीद रहे हैं तो इनवर्ड सप्लाई, एक ही नाम कर दिया, इवन सेल परचेज को भी छोड़ के सप्लाई के पीछे पड़ गए, तो इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई, तो आउटवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स है उसमें से इनवर्ड सप्लाई का टैक्स माइनस कर रहे हैं। फाइनल बर्डन ऑब्वियसली कंज्यूमर पे, पर एटलीस्ट देर इज नो कैस्केडिंग, टैक्स पे टैक्स नहीं है, क्योंकि जो भी नेक्स्ट टैक्स लग रहा है उसमें जितना टैक्स अब तक लग चुका है प्रीवियसली वो सारा माइनस कर रहे हैं। और इंडिया में जीएसटी की ज़रूरत इसीलिए थी मेनली बिकॉज बहुत तरह के टैक्सेस हो गए थे, एक दूसरे में एडजस्टमेंट अलाउड नहीं हो रही थी, टैक्स पे टैक्स लग रहा था। इन प्रॉब्लम्स को अब फाइनली जीएसटी ने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही, अगर आप वीडियो परचेज करना चाहते हैं तो जो ये नंबर दिया गया है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।